नमस्कार दोस्तों, अभी स्टूडियो में 98 का स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालें यह सीखेंगे। इसका मतलब होता है हिंदी में भाग विधि से। तो इसके लिए देखिए, यह आपका दो अंकों की संख्या है। इसके लिए हमने अपना 9 × 9 ले लिया, कितना आ रहा है 81। इसको एक बार यहाँ लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आया है वो आपका 98 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो किस रेंज में लेते हैं संख्याएं, 1 से लेकर 9 तक लेते हैं, ये ध्यान रखें। 9 का खुद के साथ गुणा करने से भी 98 से बड़ा नहीं आ रहा है तो फिर तो हमें कोई विचार ही नहीं करना, डायरेक्ट 9 को ले लिया। उसके बाद क्या करना है, इसको तो ऐड करना होता है, इसको माइनस करना होता है। देखिए, दो चार स्टेप है, अच्छे से समझ लो। आप किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल मात्र चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ ऐसे लिख देंगे 0.00, 2 2 0 एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले 0.00 को यहाँ लिख देते हैं। अब कितना बन गया, 1700। 18 के साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि आपका इस संख्या से बड़ा नहीं आना चाहिए, विचार करते हैं। जैसे इसके साथ हमने 9 लिया, 9 का गुणा किया, 9 में 81, 8 के लिए चला गया, 9 8 72, 8 इतना 80, 8 के लिए आ गया, 9 8 कितना 17। देखिए, 9 लेने से आपका 1700 से बड़ा आ गया, ठीक है। फिर हमने जैसे 8 को लिया, 8 का गुणा किया, 8 8 64, 6 के लिए आ गया, 8 8 64 और 6 कितना 70, 7 के लिए आ गया, 8 7 कितना 15। किसको लिया हमने, अपना 8 को। फिर वही माइनस करना है, प्लस करना है, ठीक है। यह जो 9.8 निकला है यह आपका 98 का स्क्वायर रूट का वैल्यू है। तो इस तरीके से आप अपना आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं भाग विधि से, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1000 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं अभी हम सीखेंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये आपकी 4 अंकों की संख्या है। 2 अंकों के लिए अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, 2 अंकों के लिए अंडरलाइन कर दिया, कितना आ रहा है 10। इस 10 के लिए हमने अपना 3 × 3 लिया, कितना आ रहा है 9। इसको एक बार यहाँ लिख देते, यानी इस बात को समझिए, एक ऐसी संख्या लेना जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आई है यह संख्या आपका 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 से बड़ी संख्या लेकर देखें, 4 × 4 कितना आ गया 16, देखिए 10 से बड़ा है, इसलिए हम इसको नहीं लिया, 3 को ले लिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए आसान है, इसको तो जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। 10 − 9 कितना 1 आ गया, और इसके साथ हम अगले 0.00 ले आएंगे। यहाँ कितना बन गया 6। 6 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसी का गुणा करें, आपका 100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। देखिए, 2 लिया, 2 का गुणा किया, 100 से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 1 लिया, 1 का गुणा किया, 100 से ज़्यादा नहीं है। इसको 1 को लिया, यहाँ लिख दो। फिर वही आपका प्लस माइनस का स्टेप रिपीट होगा। इसके साथ आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं और इसके साथ आगे 0 0 0 ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले 0.00 को यहाँ ले आते हैं। अब हम इसके साथ जैसे 6 लिया, 6 का गुणा किया, 36, 3 के लिए आ गया, 12 3 15, 1 के लिए आ गया, 36 1 37, देखिए इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। यदि 6 से एक बड़ी संख्या लेकर देखें, 7 लिया, 7 का गुणा किया, आपका 39 से बड़ा आ रहा है। जिस संख्या को लेंगे उसे एक बड़ी संख्या लेते आपका इससे बड़ा आ जाएगा, मतलब आपने उस संख्या को सही लिया। किसको लिया हमने, 6 को। उसके बाद वही आप माइनस कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, आगे आप जितने स्टेप करना चाहते हैं उतने कर सकते हैं। यह जो आपका वैल्यू निकला है 31.6, ये 1000 का स्क्वायर रूट का वैल्यू। 35 का वर्गमूल भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालें, यह देखिए 2 अंकों की संख्या है। इसके लिए हमने अपना 5 × 5 लिया, कितना आ रहा है 25। जिसको लेंगे एक बार यहाँ लिख देंगे। देखिए, 5 × 5 क्यों लिया, यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेना जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आया है यह संख्या आपका 35 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आगे यदि हम 6 × 6 लें,
कितना आ गया 36, ये आपका देखिए 35 से बड़ा है, इसको नहीं ले सकते। अब इसको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है, बस एक दो स्टेप है, अच्छे से समझ लो। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। अब इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 0.00, आप कहेंगे हाँ दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले 00 यहाँ लिख देते हैं। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। देखिए मैंने 9 लिया, 9 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं है। और यहाँ पर हम संख्या किस रेंज में लेते हैं, देखिए 1 से लेकर 9 तक, और कभी कभी यहाँ पर आपको 0 भी लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो हमने 9 को लिया, 9 को लेने से यदि आपका इससे बड़ा नहीं आ रहा है तो फिर हमें आगे तो कोई चेक ही नहीं करना है। किसको लिया, 9 को। उसके बाद वही आपका क्या करना है, इसको प्लस करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो प्लस किया कितना आ गया, माइनस किया कितना आ गया, अब उसके बाद क्या करें, इसके साथ हम अगले 00 ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे 1 लिया, 1 का गुणा किया, कितना आ गया 1181, जो 1900 से बड़ा नहीं है। ठीक है, किसको लिया हमने, 1 को, तो यहाँ लिख दो। उसके बाद भाई प्लस माइनस का स्टेप रिपीट करो और ये सेम प्रोसेस आगे रिपीट होता रहेगा और आपका आगे स्क्वायर रूट का वैल्यू आता जाएगा। यह जो आपका वैल्यू निकला है, यह जो संख्या आया कितना 5.91, यह 35 का स्क्वायर रूट का वैल्यू है। 361 का वर्गमूल भाग विधि से, यानी लॉन्ग डिविजन मेथड, बिल्कुल सिंपल है। ये आपकी 3 अंकों की संख्या है, दो अंकों को 7 लो अंडरलाइन कर दो, फिर 1 अंक आ गया, कितना 3। इस 3 के लिए हमने 1 गुणा 1 लिया, कितना आ रहा 1, इसको यहाँ लिख देना है। देखिए 1 गुणा 1 लिख क्यों लिया, हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेना जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या है वो आपका इस 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। आगे जैसे यदि हम 2 गुणा 2 लें, कितना आ गया 4, जो आपका 3 से बड़ा है। उसके बाद क्या करना होता है, इसको तो जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है, और अगले जो 2 अंकों की संख्या है इसको यहाँ ले आते हैं। अब इस 2 के साथ जैसे हम 9 लेते हैं, 9 का गुणा करते हैं, आपका कितना आ जाता है 261, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, किसको लिया हमने अपना 9 को, माइनस किया 0 आ गया। आगे आपके पास कोई भी संख्या नहीं बची हुई है, प्रोसेस कंप्लीट हुआ। यह जो आपका संख्या निकला, ये आपका 361 का वर्गमूल का वैल्यू है। तो यह इस तरीके से भाग विधि से आप अपना मात्र चंद सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 23 का स्क्वायर रूट भाग विधि से, यानी यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड, कैसे निकालें। देखिए 23 आपकी 2 अंकों की संख्या है, इसके लिए हमने अपना 4 गुणा 4 लिया, कितना आ रहा है 16, जिसको लेते हैं एक बार यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे समझिए आप 4 गुणा 4 को क्यों लिया। देखिए बिल्कुल सिंपल, ऐसी संख्या लेना जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका 23 से बड़ा नहीं होना चाहिए। आगे जैसे यदि हम 5 गुणा 5 लें, कितना आ गया 25, आपका क्या है 23 से बड़ा है। ओके, तो एक बात यह भी समझ लो कि यहाँ पे जो संख्या ले रहे हैं उससे एक बड़ी संख्या लेते आपका क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। मतलब उसकी संख्या को लेना जिसका खुद का तो क्या आ रहा है छोटा गुणा, लेकिन एक संख्या बड़ी लेते क्या आ जाना चाहिए, बड़ा आ जाना चाहिए। ऐसे ध्यान से समझो। उसके बाद क्या करना है, इसको तो जोड़ना है, इसको घटाना है। अब आगे क्या करना है दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.00, आप कहेंगे हाँ दो दो 0 एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले 00 इसके साथ लिख देते हैं। अब 8 के साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने 8 लिया, 8 का गुणा किया तो आपका इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 7 लिया, 7 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं आ रहा। 7 × 7 = 50, 4 खेरे चला गया, 7 × 8 = 56 और 4 इतना 60। और यदि हम 8 लेते हैं, 8 का गुणा करते हैं, 8 × 8 = 64, 6 करे चला गया, 8 × 8 = 64, 6 कितना 70। देखिए आपका 700 से बड़ा आ गया। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसको लिया हमने? अपना सात को लिया। उसके बाद माइनस करना है, प्लस करना है। इसके साथ हम अपने अगले डबल जीरो ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे हमने 9 लिया, 9 का गुणा किया, 9 में 81, 8 के रे चला गया 36, 8 कितना 44, 4 के रे आ गया 9 में 81 और 4 कितना 85, किसको 9 को लिया। फिर माइनस करना है, प्लस करना है। यह जो आपका संख्या निकल कर आया है कितना 4.79, यह 23 का स्क्वायर रूट का वैल्यू है। अभी इस वीडियो में हम अपना 676 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं यह सीखेंगे। इसके सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? अपनी अभाज्य संख्याएं चाहिए। ये देखिए आपके 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। अभाज्य गुणनखंड विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड के द्वारा इसको रूट निकालेंगे, ऐसे समझो। सर्वप्रथम दोस्तों हम 2 का डिवाइड करते हैं। इसमें 2 का डिवाइड किया, आप साइड में लिख के डिवाइड कर सकते हैं। जितनी बार डिवाइड होगा वो दोस्तों इसके यहाँ नीचे लिखना है। इसको ऐसे समझ लो, 2 का डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ वो यहाँ लिखना है। कितनी बार डिवाइड हुआ? 3 बार और 8 बार। फिर 2 का डिवाइड किया 1 बार, 6 बार और 9 बार। अब इसमें आपका आगे यदि प्राइम नंबर की बात करें 11, 13, 17, 19, इसमें 169 में ना 3 का हो रहा है, ना 5 का, ना 7 का, 11 का, लेकिन 13 का डिवाइड हो रहा है कितना? 13 बार। 13 में 13 का डिवाइड आपका 1 बार। यहाँ पे डिवाइड होने का मतलब क्या है? जैसे इसमें हम अपना 2 का भाग दें तो कितना 3 बार हो गया, 6 आ गया, माइनस किया 0 आ गया। 7 को यहाँ ले आए कितना 3 बार हो गया, 6 आ गया, माइनस किया 1 आ गया। 6 को यहाँ ले आए कितना 8 बार हो गया, 16 आ गया, माइनस किया 0 आ गया। देखिए पूरे का पूरा भाग गया, यानी सेंसफुल आपका क्या आएगा? डिवाइड करेंगे तब 0 आएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए? ठीक है, ओके। यानी पूरे का पूरा भाग जाएगा तभी हम डिवाइड करेंगे। तो 169 में पूरे का पूरा भाग किसका जा रहा है? आपका 13 का जा रहा है, उससे पहले किसी का नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए। तो दो दो समान संख्याओं को इस प्रकार से एक साथ ले लो, ग्रुप बना दो और प्रत्येक जोड़े में से 1 बार यहाँ लिख दो। 13 में से लिख दिया, इनका गुणा कर दिया, कितना आ गया 26। तो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना है आपका? 26। 443 का स्क्वायर रूट कैसे निकले? अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो इसके दोस्तों सर्वप्रथम हम अपना अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए? अपने प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। ये आपकी 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है। अब आपको मैं कुछ रूल बता देता हूँ, उनके द्वारा आप अपना किसी भी संख्या को देखते ये बता सकते हैं कि क्या वो 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से उसमें भाग करेंगे, 3, 4, 5 किसका भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपना प्राइम नंबर के लिए बात करें तो प्राइम नंबर के रूल जानेंगे। देखिए 2 से बात करें तो यदि किसी संख्या का यह लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वह संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। ये तो आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 की बात करें तो अंकों का योग करने पर जो संख्या है वो आपका 3 से यदि डिविजिबल है, 3 का उसमें भाग जा रहा है तो वो संख्या भी आपके 3 से विभाजित होगी, यानी 3 का भाग देंगे उसमें हम। देखिए 9 आ रहा है, 9 3 से क्या है? डिविजिबल है, यानी भाग जा रहा है 9 में 3 का, तो इसमें भी हम 3 का भाग देंगे। तो इसमें 3 का भाग दिया कितना? यहाँ पे साइड में लिख के दे दो, कोई बात नहीं, आपको यदि भाग देने में समस्या है तो 1 बार चला गया, 3 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, 4, 4, 3, 12 माइनस किया 2 आ गया। इस 1 को यहाँ ले आए कितना? 7, 3, 21 माइनस किया 0 आ गया, कितना? इतनी बार भाग चला गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भाग देना आना चाहिए बस। फिर इसमें चेक किया, इसमें फिर आपका 3 का भाग जा रहा है, कितना? 4, 3, 12 और 9, 3, 27। अब इसमें नहीं जा रहा है 3 का भाग, 5 का चेक किया नहीं जा रहा है, लेकिन 7 का जा रहा है, 49 में कितना? 7 बार, 7 में 7 का भाग गया 1 बार।
तो आपके 441 के हमारे पास गुणनखंड क्या आ गए, 3 × 3 = 7 × 7। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका अंडर रूट का वैल्यू चाहिए। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, दो समान संख्याओं का जोड़ा बना दो, प्रत्येक जोड़े में से उस संख्या को एक बार यहाँ लिख दो, इनका गुणा किया कितना आ गया 21, यानी इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना है 21। 108 का स्क्वायर रूट भाग विधि यानी लॉन्ग डिविजन मेथड से कैसे निकालें यह सीख रहे हैं दोस्तों। ये आपकी 3 अंकों की संख्या है, 2 अंकों को अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, आपका 1 अंक की संख्या आ गया कितना 1। इस 1 के लिए हम 1 × 1 लिया, कितना आ रहा है 1, इसको हम यहाँ लिख देंगे। यानी क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेना जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आया वो आपका 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ 1 × 1 क्या 1 आ रहा है जो 1 से बड़ा नहीं, यानी 1 को ले लिया। ओके, आगे जिससे 2 × 2 आप करें 4 आ रहा है जो 1 से बड़ा है, इसको नहीं लिया। फिर आपको इसको तो जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है, 1 - 1 = 0 आ गया, और अगला जो 2 अंकों की संख्या इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब क्या करें दोस्तों, इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि आपका यह संख्या मिलना चाहिए या इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, ऐसे समझो। ठीक है, बड़ा नहीं आना चाहिए इसका मतलब क्या है, या तो इसके बराबर या इससे छोटी संख्या मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, हमने इसके 2 के साथ 1 लिया, 1 का गुणा किया कितना 21 आ गया। देखिए, यह तो 8 से बड़ा है, यहाँ कितना बन रहा है, यह आपका 8 बन रहा है। जब 1 लेने से ही बड़ा आ रहा है तो फिर हम किसको लेते हैं, इस कंडीशन में 0 को लेते हैं, 0 का गुणा करते हैं, कितना 0 आ जाता है। किसको लिया, 0 को यहाँ लिख दो। ओके, उसके बाद क्या करना होता है, इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। अब क्या करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 0.00 आप कहेंगे हाँ, 2 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले 00 यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसी का गुणा करें कि आपका 800 से बड़ा नहीं आना चाहिए। देखिए, 4 लिया 4 का गुणा किया 800 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 3 लिया 3 का गुणा किया 800 से बड़ा नहीं। किसको लिया हमने, अपना 3 को, फिर आगे वही प्लस करना है माइनस करना है, आगे आप जहाँ तक कैलकुलेशन करना चाहते हैं वहाँ तक कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह जो आपका वैल्यू निकला ना, कितना 10.3 यानी 10.3, ये 108 का स्क्वायर रूट का वैल्यू है। 729 का स्क्वायर रूट अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालें अभी हम सीखेंगे दोस्तों। इसके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको मैं कुछ नियम बता देता हूं, उनके द्वारा आप अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। यानी आप किसी संख्या को देखते ही ये बता सकें कि वो आपका इनमें से किसके द्वारा डिवाइड होगा। तो देखिए, 2 से वे संख्याएं डिविजिबल रहती है जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक होना चाहिए, ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 की बात करें तो अंकों का जब हम योग करें तो वो आपका क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 18 आ गया, देखिए 3 से डिविजिबल है, मतलब ये आपका संख्या 3 से डिविजिबल हो गई। तो जैसे आपने यहाँ पे 729 में 3 का डिवाइड किया, जितनी बार डिवाइड हुआ है दोस्तों वो आपको इसके नीचे लिखना, डिवाइड करना आप जानते हैं। ठीक है, कितनी बार डिवाइड हो गया, 2 बार 4 बार और 3 बार, फिर इसमें आपका 3 का डिवाइड हो रहा कितना 8 बार, 1 बार, फिर इसमें 3 का डिवाइड हो रहा कितना 2 बार, 7 बार, इसमें 3 का डिवाइड हो रहा 27, इसमें 9 बार, 9 में 3 का डिवाइड हो रहा है 3 बार, 3 में 3 का डिवाइड आपका 1 बार। तो ये आपके 729 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू। तो इसके लिए करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, 2 समान संख्याओं के एक साथ इस प्रकार से जोड़ा बना दो और प्रत्येक जोड़े में से इस संख्या को एक बार यहाँ लिख दो। ठीक है, इन सब का गुणा किया कितना आ गया 27, तो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आपका 27 है। का स्क्वायर रूट भाग विधि से यानी लॉन्ग डिविजन मेथड से कैसे निकालें यह सीखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह आपकी 3 अंकों की संख्या है, 2 अंकों को एक साथ ले अंडर लाइन कर दिए, फिर आगे बढ़े, 1 अंक की संख्या आ गया कितना आ गया 5,
इस पाँच के लिए हमने अपना दो गुणा दो लिया, कितना आ रहा है चार, जिसको लेते हैं दोस्तों एक बार यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब दो गुणा दो क्यों लिया, ध्यान से समझना दोस्तों इस बात को। एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका पाँच से बड़ा नहीं होना चाहिए। आगे जैसे यदि हम तीन गुणा तीन लेते हैं कितना आ रहा है नौ, देखिए आपका पाँच से बड़ा आ गया, ठीक है। तो किसको लेना है, इसका मतलब दो को लेना है। उसके बाद क्या करना होता है, इसको तो जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। पाँच माइनस चार कितना एक आ गया, और अगले डबल ज़ीरो यहाँ ले आएंगे। अब इसके साथ जैसे हमने दो लिया, दो का गुणा किया, सौ से बड़ा नहीं आ रहा। यदि इसके साथ हम तीन लेते हैं, तीन का गुणा करते हैं तो आपका सौ से बड़ा आ गया। ध्यान से समझना दोस्तों इस बात को, जिस संख्या को यहाँ पे लेकर चल रहे हैं उसे एक बड़ी संख्या लेते ही आपका बड़ा आ जाना चाहिए, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे सौ की बात कर रहे हैं तो सौ से बड़ा आ रहा है। देखिए दो से एक संख्या बड़ी लेते हैं, किसको, तीन को लेते हैं। जैसे यहाँ हमने किसको दो को लिया, इसे एक बड़ी संख्या लेते आपका क्या आ गया था, बड़ा आ गया था। ऐसे पूरा स्टेप से समझो दोस्तों, आपको एकदम लॉन्ग डिविजन मेथड क्लियर हो जाएगा। किसको दो को लिया यहाँ लिख दो, उसके बाद इनको तो जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। अब आगे क्या करें, बिल्कुल सिंपल है, इसके साथ पॉइंट लगाते हैं और इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, दो दो जीरो के एक साथ अंडरलाइन कर दो, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले डबल ज़ीरो यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ चार लिया, चार का गुणा किया, 1600 से बड़ा आ रहा है, लेकिन तीन लिया, तीन का गुणा किया, आपका 1600 से बड़ा नहीं। नौ चार त्री बारह, किसको लिया हमने अपना तीन को, फिर माइनस करना है प्लस करना है। आगे आप जितना स्टेप करना चाहते हैं उतने कर सकते हैं। यह जो आपका वैल्यू निकला है कितना, 22.3, यह इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। आगे फर्दर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेम प्रोसेस ये आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। माइनस करते ही जो संख्या आएगी इसके साथ अगले डबल ज़ीरो ले आएंगे, इसको ऐड करने के साथ जो संख्या बनेगी उसके साथ संख्या लेना, उसका मल्टीप्लाई करना है और ये ऐसे, ठीक है। अन्य एग्जाम्पल देखें प्लेलिस्ट में जाकर, 216 का स्क्वायर रूट भाग विधि से कैसे निकालें यह सीखेंगे, यानी बाय यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड। बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे। देखिए दोस्तों ये आपकी तीन अंकों की संख्या है, दो अंकों को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, एक अंक की संख्या आ गया, कितना दो, दो के लिए हमने एक गुणा एक लिया, कितना आ रहा है एक, इस एक को हम यहाँ लिख देते हैं। एक गुणा एक क्यों लिया, देखिए बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए, एक ऐसी संख्या को लेना जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आया है वह आपका दो से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे एक से बड़ी संख्या लेकर देखें, दो गुणा दो कितना आ गया चार, दो से बड़ा है, ठीक, इसको नहीं लिया। फिर आगे क्या करना होता है, इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है, दो माइनस एक कितना एक आ गया, और अगला जो दो अंकों की संख्या बना है इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब ये कितना बन गया 116, इस दो के साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने पाँच लिया, पाँच का गुणा किया, इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन चार लिया, चार का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं आ रहा है। किसको लिया हमने, चार को लिया, इसको तो प्लस करना होता है, इसको माइनस करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें दोस्तों, इसके साथ हम पॉइंट लगाते हैं और ज़ीरो ज़ीरो लिख सकते हैं, दो दो ज़ीरो को एक साथ अंडरलाइन कर दें, इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले डबल ज़ीरो इसके साथ लिख देते हैं। अब ये कितना बन गया आपका 2000, इसके साथ कौन सी संख्या लें उसी का गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। चलिए विचार किया मैंने, इसके साथ जैसे हमने सात लिया, सात का गुणा किया, सातों सात चार चार के लिए चला गया, सातों आठा छप्पन और चार कितना 60 बन गया, और छः के आ गया 14, छः कितना 20, इससे बड़ा आ रहा है, किसको लेने से, सात को लेने से। तो फिर हमने किसको लिया, छः को लिया, छः का गुणा कर दिया, किसको लिया, छः को, कितना आ गया 36, तीन के आ गया 8 संग 48, तीन 51, पाँच के आ गया 12, पाँच कितना 17, ओके। उसके बाद माइनस करना है प्लस करना है, इसके साथ हम अपने अगले डबल ज़ीरो ले आते हैं। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। देखिए 9 लिया, 9 का गुणा किया, 99 81, 8 के लिए चला गया 18 8, 26 दो के लिए आ गया 99 81, 2 कितना 83, और आपका 8 के लिए आ गया 18 और 26, ये देखिए 28,400, 26,361, यानी
से बड़ा नहीं है, किसको लिया हमने 9 को, फिर माइनस करना है प्लस करना है, आगे आप जितने स्टेप करना चाहते हैं उतने कर सकते हैं। ये जो आपका वैल्यू निकला है ये 216 का स्क्वायर रूट का वैल्यू है।